कृष्णा, भगवद गीता के 18 दिवसीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम भगवद गीता का प्रथम अध्याय करने वाले हैं। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन विषाद अर्थात दुख से ग्रसित हो जाता है। तो जिस प्रकार अर्जुन यहाँ पे दुख से ग्रसित होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी ना कभी दुख आता है, क्योंकि भगवान ने बोला है भगवद गीता में, ये जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है। तो दुख सबके जीवन में आना है। तो यहाँ पे अर्जुन के जीवन में दुख आने का कारण अलग हो सकता है और इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख आने का कारण अलग हो सकता है, लेकिन सबका हल एक ही है, वो भगवान आगे के अध्याय में देंगे भगवद गीता के। तो हमारे आचार्यों ने इस अध्याय को एक और नाम दिया है, वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो सैन्य निरीक्षण, निरीक्षण का अर्थ होता है किसी वस्तु को ध्यान से देखना, और यहाँ पे सैन्य निरीक्षण का अर्थ है सेना को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सेना एक ही है, अब सेना को देखने का दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। तो जो धृतराष्ट्र है उसका दृष्टिकोण क्या है, वो सेना को किस तरीके से देखता है, जो दुर्योधन है वो सेना को किस तरीके से देखता है, जो अर्जुन है वो सेना को किस तरीके से देखता है। तो यहाँ पे हमें सबका दृष्टिकोण देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए किसी चीज को देखने का, वो भगवान हमें अगले अध्याय में बताते हैं। तो इसी के साथ आज का अध्याय हम आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी हम अभी पढ़ने वाले भगवद गीता, तो ये किसकी शिक्षाओं पर आधारित है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि संस्थापक आचार्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, या फिर इसको इस्कॉन भी हम बोलते हैं। और कल हमने प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा की थी, कल हमने जाना था कि क्यों हमें सबसे पहले प्रभुपाद जी के बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों के कारण भगवद्गीता का ज्ञान हम तक पहुंच पा रहा है। और जब तक हम उनके प्रयासों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम भगवद्गीता के ज्ञान का हम आदर नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम इस ज्ञान का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। कल हमने प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि क्यों प्रभुपाद जी ने ये जो संस्था है इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत नाम दिया। तो इस सत्र में हम चर्चा भी करते रहेंगे बीच बीच में, हमारे पास इतना समय नहीं होगा इसमें क्योंकि 18 दिवस की कोर्स है, लेकिन फिर भी हम कुछ समय के लिए इसमें चर्चा कर सकते हैं। तो कल हमने बताया था प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा, तो आप में से कोई बता सकता है प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा, इसका नाम भारतीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों नहीं रखा। छोटी छोटी हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में, आप उसमें भाग ले सकते हैं। ओके, आप हैंड रेज कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा सुधीर जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण केवल इंडिया के नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के भी, ब्रह्मांडों के भी हैं, कई ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो इसीलिए वो अंतरराष्ट्रीय, पूरा इंटरनेशनल उसको नाम दिया गया है हमारे विचार से। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा गर्व प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं नीलम गुलाटी, वो मेरे बेटे का नाम है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कल आपने समझाया था कि हमारे जो इंडियन कल्चर है वो पाश्चात्य देशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी के गुरु जो थे उन्होंने उन्हें कहा कि आप वहाँ जाके प्रचार करिए। तो इसलिए सिर्फ भारत का ना होकर ये पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी है जो कि देश के अलग अलग सभी जगह पर लोगों को प्रभावित करती है, और श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया है शिला प्रभुपाद जी ने, इसीलिए ये इंटरनेशनल सोसाइटी है। धन्यवाद सभी ने। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं होता, इसमें एक घंटा होता है, तो हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे बीच बीच में, तो आप सभी ध्यान से सुनते रहिएगा। तो भगवान ने भगवद गीता में बोला है, पिता मत्स्य जगत माता दाता पिता, भगवान संपूर्ण जगत के माता पिता है। तो इसीलिए भगवद गीता का ज्ञान सभी के लिए है, सारे जगत के लिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सोचा था कि ये ज्ञान सारे जगत में जाना चाहिए, इसीलिए इस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन रखा गया। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं श्री राधा गोविंद की।
अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के विषय में सबसे पहले जानेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है? तो श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, और भगवत मतलब होता है भगवान के द्वारा, और गीता मतलब होता है गीत। तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाया गया एक सुंदर गीत। अभी अभी हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता बोली युद्ध के समय में। तो भगवान ने क्यों अर्जुन को भगवद गीता बोली, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, और युद्ध के क्षेत्र में ही भगवान ने भगवद गीता क्यों बोली, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवद गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवद गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवद गीता सभी के हित के लिए है। तो कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, फिर अर्जुन क्यों मोहित हो जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त को तो मोहित नहीं होना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त चुना ताकि भगवद गीता का ज्ञान हम सब तक पहुंच जाए। तो आपने देखा होगा कि जब आप दो लोगों के बीच चर्चा सुनते हैं तो उसमें हमारी ज्यादा रुचि आती है। तो जब भी आप दो लोगों के बीच वार्तालाप सुनते हैं तो इस तरह जब हम किसी चीज को समझते हैं तो उसमें हमारी और भी रुचि आती है। अगर आप साधारण तरीके से किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसमें इतनी रुचि नहीं आती, लेकिन जब आप दो लोगों का संवाद सुनते हैं तो उसमें ज्यादा रुचि आती है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को निमित्त बनाया ताकि भगवद गीता का ज्ञान हम तक पहुंच सके। और इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रिपोर्टर रहता है, तो रिपोर्टर जब आपने देखा होगा न्यूज में किसी नेता को या किसी को भी अपने जो कार्यक्रम होते हैं उनमें बुलाते हैं तो कुछ प्रश्न पूछते हैं रिपोर्टर। लेकिन रिपोर्टर जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो रिपोर्टर के प्रश्न नहीं होते। जैसे कि अगर किसी नेता से रिपोर्टर पूछता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है तो ये रिपोर्टर का प्रश्न नहीं है, ये पूरी जनता की तरफ से प्रश्न होता है। और जो उत्तर देता है जो नेता या कोई कोई भी उनके कार्यक्रम में आता है वो सबके लिए उत्तर देता है। तो इसी प्रकार अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो पूरे जगत के लिए अर्जुन प्रश्न पूछता है, और भगवान जो उत्तर देते हैं वो सभी के कल्याण के लिए है। तो भगवान ने अर्जुन को चुना, अर्जुन को ही क्यों चुना, तो इसका कारण भगवान 11वें अध्याय में बताते हैं। और भगवान बोलते हैं, तस्मात उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेति नियतात्मैव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तुम केवल निमित्त मात्र हो, और क्यों तुम्हें चुना, तस्मात उत्तिष्ठ यशो लभस्व, ताकि तुम्हारा यश चारों तरफ फैले। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं कि अर्जुन का यश चारों तरफ फैले, क्योंकि भगवान का भक्त क्या चाहता है कि भगवान का यश चारों तरफ फैले। इसी तरह भगवान भी चाहते हैं मेरे भक्त का भी यश चारों तरफ फैले, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को विशेष सेवा देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हनुमान जी हैं, तो अभी राम जी चाहते तो स्वयं रावण को अकेले मार सकते थे, तो राम जी को इतनी सेना इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्यों उन्होंने अपने भक्तों को सेवा दी, सुग्रीव को सेवा दी, हनुमान जी को सेवा दी, विभीषण को सेवा दी, क्यों? ताकि उनका भी यश फैले आगे जाके, और उनका जब यश फैलेगा तो हम लोग भक्ति के लिए प्रेरित होंगे और भगवान से जुड़ सकेंगे। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को माध्यम बनाते, निमित्त बनाते, ताकि उनके भक्तों का यश फैले और बाकी जो लोग हैं वो भी भगवान से जुड़ सके। तो जैसे हनुमान जी का यश इतना ज्यादा है कि आज भी जब चर्चा होती है राम जी के भक्तों की तो हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की। इसी तरह जब बात होती है भगवद गीता की तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है, क्यों? क्योंकि अर्जुन माध्यम बने भगवद गीता। इसीलिए भगवान भी चाहते हैं उनके भक्तों का यश फैले, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। तो ये कारण था भगवद गीता बोले जाने का। अभी जैसे हमने देखा कि भगवद गीता कहाँ पे आता है, महाभारत में, और महाभारत में भगवद गीता आती है भीष्म पर्व में, जहाँ पे कि युद्ध का वर्णन है। तो भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में ही भगवद गीता क्यों बोली, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला ये कि युद्ध के क्षेत्र में जो वातावरण होता है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है युद्ध के क्षेत्र में, तो भगवान चाहते तो भगवद गीता अर्जुन को अपने महल में भी सुना सकते थे आराम से, लेकिन युद्ध के मैदान में ही क्यों सुनाए, ताकि हम लोगों को पता लग सके कि भगवद गीता हमें कब अपने जीवन में अपनानी है, जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो, तो उस समय भगवद गीता से ही हमारा तनाव दूर हो सकता है। जिस तरह अभी अर्जुन है, अर्जुन की स्थिति कैसी है, अभी युद्ध का वातावरण है और अर्जुन बहुत ही तनाव में आ जाता है, तो
अर्जुन ने क्या किया, भगवत गीता सुनी और उसका तनाव दूर हुआ, उसके सारे दुख दूर हुए। इसी तरह हमें भगवत गीता कब अपनानी है, तो वैसे तो भगवत गीता में हमें पूरे जीवन में अपनानी चाहिए, लेकिन विशेषकर जब हमारा जीवन तनाव से ग्रसित हो जाए तब उस समय के लिए भगवत गीता बहुत ही मूल्यवान है। और एक और कारण है, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में क्यों बोली, तो हम देखते हैं जब किसी के बीच युद्ध होता है तो उसमें बहुत लोग रुचि लेते हैं। तो जैसे आप मार्केट में जाएंगे कभी, तो क्या होता है अगर वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो जाता है, बहुत कम लोग है जो ध्यान देते हैं, सब लोग निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते। लेकिन वही उसी मार्केट में, उसी बाजार में अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होंगे तो क्या होता है, पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब लोग देखने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव है कि जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा या युद्ध चल रहा होता है तो हमारा स्वभाव है कि आप उसमें रुचि लेते हैं ज्यादातर। तो जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कुछ देशों में युद्ध चल रहा है तो सारे न्यूज चैनल सब पे वही दिखाया जाता है, तो लोगों को युद्ध में बहुत ज्यादा रुचि होती है। तो इसीलिए जो भगवद गीता है वो युद्ध के बीच में बोली गई है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत का जो युद्ध था वो कोई साधारण युद्ध नहीं था, बहुत बड़ा युद्ध था। तो पूरे पूरे विश्व से वहां पर योद्धा आए थे, तो सभी का ध्यान महाभारत के युद्ध की तरफ था, कुरुक्षेत्र भूमि की तरफ था, सारे जितने भी व्यक्ति थे सबका, और यहाँ तक कि देवी देवता जो थे उनका भी ध्यान कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरफ था। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, उस समय भगवद गीता बोली ताकि जो भगवद गीता का ज्ञान है वो सभी तक फैल सके। तो ऐसे अनेक अन्य कारण थे जिसके कारण भगवद गीता बोली गई। अभी भगवद गीता जो है वो उसमें 18 अध्याय है, और 18 जो नंबर है वो बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि अभी जो महाभारत है उसमें 18 पर्व है और 18 अध्याय ही भगवद गीता में, और 18 दिनों का ही हमारे कोर्स होने वाला है, और 18 पुराण है हमारे जो मुख्य पुराण है, 18 दिनों तक ये युद्ध भी चला, और जो भगवान की सेना थी अक्षणी सेना वो भी 18 थी। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवद गीता में ऐसा क्या है, क्यों हम भगवद गीता पढ़े, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें, आधुनिक वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, बहुत सारा हमारे पास ज्ञान है, तो भगवद गीता ही हम क्यों पढ़े, भगवद गीता में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है, भगवद गीता के ज्ञान में ऐसा क्या है जो हमें स्कूल में या हमारे विश्वविद्यालय में नहीं सिखाया जाता। तो 5 विषय है जो केवल हमें भगवद गीता ही सिखा सकती है, तो इसीलिए भगवद गीता पढ़नी बहुत ही आवश्यक है। तो पहला विषय कौन सा है भगवद गीता का, ईश्वर। भगवद गीता हमें बताती है भगवान के बारे में, भगवान क्या करते हैं। उसके बाद भगवद गीता हमें बताती है जीव के बारे में कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, और उसके बाद प्रकृति के बारे में कि भगवद गीता हमें बताती है प्रकृति क्या है, प्रकृति किस प्रकार उत्पन्न होती है, प्रकृति के गुण क्या है, और किस प्रकार जो जीवात्मा है वो प्रकृति के गुणों के संपर्क में आती है। और फिर भगवद गीता हमें बताती है कर्म के बारे में, कर्म का सिद्धांत। तो कर्म जो शब्द है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो अगर आप विदेशों में दो चीजें अगर आप किसी से पूछेंगे, कहीं भी आप चले जाइए पूरी दुनिया में, तो दो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, वो क्या है, योगा और कर्म। तो अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में भी देखेंगे तो ये शब्द जोड़ दिए गए हैं, कर्म और योगा, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है। लेकिन जो कर्म शब्द है वो कहाँ से आया, वो भगवद गीता से ही लोगों को इसके बारे में पता लगा, कर्म के सिद्धांत के बारे में। तो भगवद गीता हमें कर्म के बारे में बताती है, कितने तरह के कर्म होते हैं, किस तरह कर्म हमें बांधते हैं, और किस प्रकार कर्म करते हुए ही हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के कर्म के बारे में बताती है, कुछ कर्म होते हैं क्षणिक, या फिर कुछ कर्म होते हैं तुरंत हमें उनका फल मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को मारा और उस पर दर्द होगा तुरंत, ठीक है, तो इनको बोलते हैं तीव्र कर्म। और फिर भगवद गीता ये भी बताती है कुछ कर्म होते हैं वो मंद कर्म होते हैं, जैसे कि जिनका जो परिणाम है थोड़े समय बाद आता है, जैसे मैंने अभी पेड़ बोया तो उसका परिणाम अभी नहीं आएगा, उसका परिणाम कुछ सालों बाद आएगा या कुछ महीनों बाद आता है। इसी प्रकार कुछ कर्म होते हैं वो हमारे अगले जीवन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता अलग अलग कर्मों के बारे में बताती है। उसके बाद भगवद गीता हमें बताती है समय के बारे में, समय क्या है और समय का स्वरूप क्या है, और किस तरह समय के प्रभाव से हम जो प्रकृति के संपर्क में आते हैं और प्रकृति के गुणों में बनते हैं, हम लोग कर्म करते हैं, और फिर भगवद गीता आपस में इन सब का संबंध क्या है उसके बारे में भी हमें बताती है। तो ये चीजें हमें भगवद गीता से सीखने को मिलेगी, भगवद गीता के 5 विषय। अभी भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं,
जिसमें से सबसे ज्यादा श्लोक जो बोले भगवान श्री कृष्ण ने बोले, उसके बाद अर्जुन ने बोले, फिर संजय ने बोले और धृतराष्ट्र ने भी एक श्लोक बोला है। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवद गीता भगवान के द्वारा बोली गई है, तो इसमें फिर बाकी लोगों ने क्यों बोला है, बाकी लोगों के श्लोक क्यों है? तो भगवद गीता में जो अर्जुन के प्रश्न है, जब आप उनको पढ़ोगे ध्यान से, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके प्रश्न है। और बाकी लोगों ने जिस तरह से उसको समझाया, संजय ने उसको समझाया, धृतराष्ट्र ने क्या बोला, जब आप उनको समझोगे तो इससे क्या होगा, भगवद गीता में आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सारे श्लोक भगवद गीता में महत्वपूर्ण है, चाहे वो अर्जुन के प्रश्न हो, चाहे वो भगवान के उत्तर हो, या फिर संजय का विवरण। तो सारे प्रश्न भगवद गीता के स्वाद को और अधिक बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा खीर होती है, खीर में क्या होता है, मेन चावल और उसमें मिठाई मिठास जो होती है वो मुख्य होती है, लेकिन खीर का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसमें हम अलग अलग चीजें डालते हैं, कई लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं, कई लोग उसमें घी डालते हैं, तो इस तरह उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान की जो वाणी है बहुत ही मधुर है, तो भगवद गीता भगवान की वाणी है, लेकिन जब उसमें अर्जुन के प्रश्न जुड़ जाते हैं, जब उसमें संजय की वार्ता जुड़ जाती है, तो इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इसीलिए भगवद गीता के सारे श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भगवद गीता को आरंभ करने से पहले हम भगवद गीता की महात्म्य को समझेंगे, भगवद गीता की महानता क्या है। तो जब हम भगवद गीता की महानता को समझेंगे, इससे क्या होगा, भगवद गीता में हमारी रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। और अभी हम भगवद गीता की महिमा का वर्णन करेंगे। और ये जो भगवद गीता महात्म्य है, किसने लिखा है, ये लिखा है शंकराचार्य जी ने, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने। तो शंकराचार्य जी जो हुए वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विशेषकर बहुत ही बड़े विद्वान थे। और उन्होंने क्या किया, सारे वैदिक साहित्य पढ़े, और सारे वैदिक साहित्य, सारे पुराण पढ़े, श्रुति स्मृति शास्त्र सारे पढ़े। उसके बाद उन्होंने जब भगवद गीता पढ़ी, तब उनका क्या निर्णय निकला, तो जो उनका निर्णय निकला वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारे पास कलयुग में इतना समय नहीं है कि हम सारे वेद पढ़ पाए, सारे हम शास्त्र पढ़ पाए, क्योंकि बहुत सारे कारण है इसके। और जो श्रीमद भागवतम में उसमें दिया गया है, प्रायण अल्पाविशा सभ्य कालो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य युक्तता, यानी कलयुग में जो लोग होंगे कैसे होंगे, अल्प आयुषा, उनकी आयु कम होगी, उनके पास समय कम होगा। तो पहले क्या था, पहले लोगों की आयु ज्यादा थी, और अभी कम होती जा रही है। आप देख भी सकते हैं धीरे धीरे लोगों की आयु घटती जा रही है। तो ये भागवतम में पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि अल्प आयुषा, तो जो लोग होंगे उनकी आयु कम होगी, उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो सारे वेदों का अध्ययन कर पाए। मंदा, यानी वो आलसी प्रवृत्ति के होंगे, मंदा सुमंद मतियो, और उनकी जो मति होगी, बुद्धि, वो भी कम होगी, ठीक है, मंद भाग्य, और उनका भाग्य भी कम होगा, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होगा, उपद्रता, आपस में झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण हम वैदिक शास्त्रों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते, या फिर हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, जिन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ा है, उनका क्या निर्णय निकला है, अगर हम उसको पढ़ लेते हैं, तो फिर हम सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है उसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने क्या किया, सारे वैदिक शास्त्र पढ़ने के बाद जो उन्होंने निर्णय निकाला, अगर हम उस निर्णय को समझ सकें, तो हम सारे वैदिक साहित्यों का सार पता लगा सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, सारे वैदिक साहित्य पढ़ने के बाद भगवद गीता के बारे में उन्होंने क्या बोला, वो हम पढ़ते हैं। तो जो आदि शंकराचार्य जी है वो क्या लिखते हैं, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान विष्णुपादम अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। तो यहाँ पे बोला गया, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, जो भगवत गीता है वो दिव्य साहित्य है, शास्त्रम यानी शास्त्रों का भाग है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता हमारे शास्त्र का भाग नहीं है, हम तो खाली वेदों को मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं भगवत गीता भी हमारा शास्त्र है, भगवत गीता क्या है, शास्त्र है, वो भी साधारण नहीं, कैसा है, एकदम पुण्यम, बहुत ही पवित्र शास्त्र है। तो भगवद गीता बहुत ही दिव्य या पवित्र शास्त्र है, और जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। यहाँ पे क्या बोला गया, भय शोकादि वर्जिता। तो जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, हमारे जीवन में जितना भी भय है, जितने भी शोक हैं, सारे दूर हो जाते हैं।
अभी सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई चिंता सबके जीवन में है। तो जैसे कोई बच्चा होता है तो उसके जीवन में क्या चिंता रहती है, बच्चे होते हैं उनके जीवन में रहती है पढ़ाई की चिंता, या फिर उन्हें खेलने को मिलेगा कि नहीं, इस प्रकार की उनके जीवन में चिंता रहती है। फिर हम थोड़े व्यस्त होते हैं तो व्यस्त लोगों के जीवन में भी चिंता रहती है कि उनकी नौकरी सही से लगेगी नहीं। फिर उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो परिवार की चिंता आ जाती है कि परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए और कैसे हम और अच्छी तरीके से ये कार्य करें। उसके बाद जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो और ज्यादा चिंता आ जाती है कि अब तक मैंने जो इतना कमाया उसका क्या होगा, ठीक है। और इस प्रकार अनेक चिंताएं हमारे जीवन में चलती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है, भगवद गीता ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में सारे शोक और चिंताएं दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का आश्रय प्राप्त करता है। तो ऐसा शंकराचार्य जी बोलते हैं। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब भी इस संसार में हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती है, तो कोई भी एक्शन हो उसका रिएक्शन जरूर आता है। तो इस प्रकार जो कर्म के बंधन है उसमें हम बंध जाते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कुछ तीव्र कर्म होते हैं और कुछ मंद कर्म होते हैं। तो अभी क्या है, अभी कुछ हमारे पूर्व कर्म भी होते हैं जिनके कारण, जिनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, जिनके कारण हम तो भोगते हैं संसार में। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कर्म हो उनके सारे जो बंधन है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान बोलते भी है 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि अगर तुम मेरी शरण ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करें उसमें हम बंध सकते हैं। तो इस तरह अब हम इस संसार में तो कोई ना कोई कार्य अवश्य करेंगे, तो इस तरह हम इसमें और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे, तो इसका कोई समाधान ही नहीं है। हम इसमें और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे, लेकिन एक तरीका है इससे बाहर निकलने का, वो है भगवान की शरणागति। तो भगवद गीता हमें बताएगी कि किस प्रकार हम जो कर्म है उनके बंधनों को काट सकते हैं। अभी आगे शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य के बन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी जिन्होंने सारे वैदिक साहित्य पढ़े हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भगवद गीता अगर आपने पढ़ ली ध्यान से तो आपको कोई और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कि मन्य शास्त्र विस्तर है, यानी क्या आवश्यकता है और शास्त्र पढ़ने की अगर आपने भगवद गीता पढ़ ली। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान के मुख से निकली है। केवल भगवद गीता ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद तो कलयुग के जीवों पे भगवद गीता क्या है, एक विशेष कृपा है। क्योंकि मैंने आपको कारण बताए थे जिसके कारण हम कलयुग में सारे वैदिक साहित्य नहीं पढ़ सकते। तो जो भगवद गीता है वो कब बोली गई, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। तो भगवान को भी पता था कि कलयुग में जीव पूरे वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ पाएंगे, तो भगवान ने विशेष कृपा करके भगवद गीता हमारे सामने रखी जो कि सारे वैदिक साहित्यों का सार है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ऐसा स्वयं शंकराचार्य जी बोल रहे जिन्होंने सारे वैदिक साहित्य पढ़े, कि भगवद गीता केवल आप पढ़ लेते हो तो सारे वेदों का आपको सार मिल जाता है। किस तरह मिलता है उसका उदाहरण, उसका उपमा यहाँ पे शंकराचार्य जी बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। तो आप सभी इसको ध्यान से सुनिए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थवत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो यहाँ पे तुलना की गई है भगवद गीता के ज्ञान की, किस तरह भगवद गीता का ज्ञान सारे उपनिषदों का सार है। जैसे कि यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, कैसा है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं अगर सारे उपनिषद गाय हैं तो उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। तो जिस प्रकार गाय का सार क्या होता है, उसका दूध होता है, गाय का सार उसका दूध होता है, तो सारे उपनिषदों का सार क्या है, भगवद गीता है। और क्या होता है, जब हम गाय का दूध निकालते हैं तो गाय का दूध कौन निकालता है, गाय का दूध निकालता है ग्वाला।
इसी प्रकार भगवत गीता को कौन निकाल रहा है, सारे वैदिक साहित्य को कौन निचोड़ रहा है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ग्वाले की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई है। अर्जुन बछड़े के समान है, और हमें पता है जब भी गाय दूध देती है तो उसके सामने उसका बछड़ा होना चाहिए। तो बछड़ा माध्यम होता है जिसके कारण दूध हम तक पहुंच पाता है, जिसके कारण ग्वाला दूध निकाल पाता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तुलना किससे की गई है, बछड़े से। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान भगवत गीता का सार निकाल रहे हैं, तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत मय दूध का पान करने वाले हैं। लेकिन क्या ग्वाला दूध खुद पीता है? नहीं, ग्वाला दूध खुद भी पीता है और सब में बांटता भी है। ऐसा नहीं होता कि ग्वाला खुद ही दूध पी जाए। तो इसी प्रकार भगवान ने क्या किया, सारे उपनिषदों वेदों का सार निकाला अर्जुन के माध्यम से, और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी जो सिद्ध हुआ। तो ऐसे इसकी तुलना की गई है भगवद गीता के ज्ञान। अभी शंकराचार्य जी अंत में क्या बोलते हैं वो हम सुनते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो आजकल हम सबको एक ही चीज चाहिए, एक ही में हमें सब चीज चाहिए। तो आपने देखा होगा जैसे हमारा मोबाइल फोन है, इसमें क्या है, इसमें सारी चीजें, इसमें कैमरा भी है, इसमें कैलेंडर भी है। तो इस प्रकार आजकल के जो लोग हैं उन्हें सब चीजें एक ही जगह चाहिए, एक ही चीज उन्हें चाहिए। यहाँ पे शंकराचार्य जी क्या बोल रहे, अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र हो अगर, तो कौन सा हो, देवकी पुत्र गीतम, यानी भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता। एको देव देवकी पुत्र एवा, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र, अगर एक प्रार्थना कोई हो तो वो हो उनके नाम का कीर्तन। और हमें पता है कलयुग में भगवान के कौन से नाम का कीर्तन हमें करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अगर हमारे जीवन में कोई एक कर्म हो करने लायक तो वो क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा। तो इस तरह शंकराचार्य जी गीता महात्म्य बोलते हैं। तो अभी गीता महात्म्य सुनने के बाद, गीता की महानता सुनने के बाद, अभी हम भगवद गीता आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। तो इसका जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं वो हम ध्यान से सुनते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कः पांडवश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो सबसे पहले हम समझेंगे धृतराष्ट्र कौन है। तो धृतराष्ट्र, और अभी हम इसमें ज्यादा विस्तार से नहीं समझेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय की सीमा है, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। धृतराष्ट्र और जो पांडु थे वो दो भाई थे। तो जो धृतराष्ट्र था वो बड़ा भाई था, लेकिन अब उसको राजा बनना था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो जन्म से अंधा था। तो अभी राज्य किसको सौंपा गया, पांडु को सौंपा गया। तो जो उसका भाई था छोटा, पांडु को सौंपा गया। तो अभी क्या संधि होती है कि दोनों भाइयों में जिसके पहले पुत्र होंगे, तो जैसे कि अगर धृतराष्ट्र का पहला पुत्र हो जाता है तो उसको राजा बना दिया जाएगा अगला, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र को राजा बना दिया जाता था। लेकिन क्या होता है कि धृतराष्ट्र की जगह जो पांडु है उसके पुत्र पहले हो जाते हैं। तो अभी किसको राजा बनना था, अभी पांडु के पुत्रों को ही राजा बनना था आगे जाके। तो इस कारण क्या होता है, धृतराष्ट्र बहुत ही ईर्ष्या करने लग जाता है पांडु के पुत्रों से, और इस प्रकार आगे जाके क्या होता है उनमें अलग अलग की अलग अलग तरह के वो कूटनीति, अलग अलग तरह की राजनीति करते हैं, अलग अलग चाले चलते हैं। किसी तरह जो पांडव है उनको मारने के लिए अलग अलग चाल चलते हैं, और किसी कारणवश छल से उनका सारा राज्य भी हड़प लेते हैं। अभी उसी के कारण क्या हो रहा है, दोनों में युद्ध होने वाला है, पांडवों में यानी पांडव के पुत्रों में और धृतराष्ट्र के पुत्रों में युद्ध होने वाला है। तो अभी धृतराष्ट्र है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हे संजय, संजय कौन है, संजय जो है वो धृतराष्ट्र के ही जो राज्य है उसमें मंत्री है, ठीक है, और उनके सारथी भी है वो।
और उनसे वो प्रश्न पूछते हैं। जो संजय है उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान है। संजय क्या कर रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो जो संजय है वो उनको जो कुरुक्षेत्र है वहां पे क्या परिस्थिति है वो संजय देख पाते हैं दिव्य दृष्टि से। तो वहां पे जो भी चल रहा है वो धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। तो धृतराष्ट्र उनसे पूछता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी जो धृतराष्ट्र है वो क्योंकि अधर्म के साथ है तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर रहता है, और डर के कारण वो पूछता है संजय से कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो उसके मन में डर क्यों है, उसका कारण इसी श्लोक में दिया है। तो इसमें बोला गया है धर्म क्षेत्र, तो जो कुरुक्षेत्र है उसको यहाँ पर धर्म क्षेत्र बोला गया है। तो क्षेत्र का एक अर्थ होता है खेत। तो जैसे कि अगर चावल का खेत है वहां पे क्या होता है, चावल उपजेगा, चावल वहां पे बढ़ेगा, और जो घास होती है छोटी मोटी उसको क्या कर दिया जाता है, उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो इसी प्रकार कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है, यानी जो कुरुक्षेत्र है वहां पे धर्म की प्रधानता होने वाली है, और जो अधर्मी है उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो इसी कारण धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं भय है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि उसके जो पुत्र हैं वो अधर्म के पक्ष में हैं, तो इसीलिए उसके मन में डर है। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया, माम का पांडवस्य, यानी मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो अभी क्या है, धृतराष्ट्र उनके ताऊ है पांडवों के, तो कहीं ना कहीं जो पांडव है वो भी धृतराष्ट्र के पुत्र के समान ही है। लेकिन अभी धृतराष्ट्र क्या है, उनको अलग कर रहा है अपने पुत्रों से, बोला मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, माम का पांडवस्य। तो अभी कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में धृतराष्ट्र का ही पहला श्लोक क्यों आता है, इसके पीछे आखिर क्या कारण है। तो इसके पीछे यही कारण है, भगवत गीता हमें समझाती है कि इस तरह की जो मानसिकता है मैं और मेरे की, ठीक है, यहाँ पे धृतराष्ट्र ने क्या बोला, मेरे और पांडवों के पुत्र, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो भावना है मेरे और मैं, मेरे की भावना है, यही समस्त जो मूल हमारे जीवन में दुख है उसका समस्त कारण यही है। जो मैं मेरे की भावना है वही हमारे जीवन के समस्त दुखों का कारण है। तो जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी गलत कार्य होते हैं, इसी भावना से होते हैं, जब मैं मेरे की भावना जिसके अंदर रहती है। तो जैसे बाली का युद्ध हुआ सुग्रीव के साथ, तो क्यों हुआ, उसने बोला ये मेरा राज्य है, ये मेरी स्त्री है, इसी के कारण। इसी प्रकार हम देखते हैं रावण का युद्ध हुआ, क्यों हुआ, जब ये बोला था कि जो सीता है वो मेरी है। तो मैं मेरे की भावना ही हमारे जीवन में विषाद का कारण बनती है। तो यही हमें भगवद गीता का पहला श्लोक बताता है कि मैं मेरा छोड़ो और किससे जोड़ो, ईश्वर से जोड़ो, क्योंकि सब चीज किसकी है, भगवान की, ईशावास्यम इदम सर्वम। इसीलिए मैं मेरे की भावना हमें त्यागनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भगवद गीता का श्लोक हमें बताता है, पहला श्लोक। कृपा जी क्या लिखते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया कि जो हमारे वैदिक साहित्य है उसमें इसको एक तीर्थ स्थल माना गया है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल हरिद्वार है, उज्जैन है, बहुत सारे तीर्थ स्थल है, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र को भी हमारे वैदिक साहित्य में एक तीर्थ स्थल माना गया है, और इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। और इसीलिए यहाँ पे आज धर्म की प्रधानता होने वाली है और अधर्म का नाश होने वाला है। और यहाँ पे भगवान ने स्वयं प्रवचन देके इसको और ज्यादा पवित्र कर दिया है। अभी ये हमने देखी धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या है। तो हमने जैसे कि जब हमने पहला अध्याय आरंभ किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय का एक और नाम है सैन्य निरीक्षण, यानी सेना को कौन किस रूप में देख रहा है। तो धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या है, धृतराष्ट्र अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। क्यों, क्योंकि गलत कार्य कर रहा है, उसको पता है कि वो अधर्म के साथ है। अभी हम देखेंगे कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र है सबसे बड़ा, वो कौन है, दुर्योधन। दुर्योधन की मानसिकता क्या है। तो दुर्योधन क्या बोलता है, संजय ने कहा हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी जो दुर्योधन है वो क्या है, कौरवों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, और वही है जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है, वही इसका मुख्य नायक है युद्ध का, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अभी उसको पता है कि कोई भी युद्ध के लिए, युद्ध के पक्ष में नहीं है,
तो वो क्या कर रहा है, सबके पास जा जाके सबको युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है और उसको पता है कि बाकी लोग उसका साथ नहीं देने वाले, तो किसी ना किसी तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो चाहता है कि सभी लोग उसका साथ दें। तो इस तरह वो अलग अलग कूटनीतिक और राजनीतिक चाले चलता है। तो इसी प्रकार दुर्योधन भी क्या कर रहा है, उसको अपनी बुद्धि पर, अपनी योजनाओं पर बहुत ज्यादा उसको विश्वास है, तो सबके पास जा जाके उनको युद्ध के लिए उत्साहित कर रहा है। और सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास, और उनको बोलता है, उनको किस प्रकार वो क्रोधित करता है ये हम देखेंगे। तो क्या बोलता है कि आपके शिष्य ने कितनी विशाल सेना बनाई है आपको मारने के लिए, और किसका नाम लेता है, दृष्टद्युम्न का। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो क्या हुआ, द्रोणाचार्य और जो द्रुपद थे, तो द्रोणाचार्य और द्रुपद बहुत अच्छे मित्र थे गुरुकुल में। तो किसी कारणवश क्या होता है, उनके बीच झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा हो जाता है तो जो द्रुपद होता है वो प्रण लेता है कि जो मेरा पुत्र होगा तो मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगा कि जो इस द्रोणाचार्य का वध करेगा। और इस तरह वो बहुत तपस्या करता है, यज्ञ करता है, और उसके बाद दृष्टद्युम्न का जन्म होता है। तो अभी जो दृष्टद्युम्न है वो किसको मारने के लिए पैदा हुआ था, द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा हुआ था। और यही बात द्रोणाचार्य को भी पता थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने फिर भी क्या किया, दृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। दृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने स्वयं शिक्षा दी। तो अभी जो दुर्योधन है वो अपने गुरु की इसी कमी को बता रहा है कि देखो, तुमने पता होते हुए भी कि दृष्टद्युम्न तुम्हें मारने वाला है, तुमने उसे शिक्षा दी, और आज वही दृष्टद्युम्न इतनी अच्छी सेना बनाकर तुमको मारने के लिए खड़ा है। तो अपने गुरु की कमी बता रहा है जानबूझकर। क्यों, ताकि वो युद्ध के लिए उत्तेजित हो सके। तो ये असुर लोग करते हैं। असुर लोग क्या करते हैं, उनको अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, इस तरह वो अलग अलग योजना बनाते हैं गलत कार्य करने के लिए। तो जैसे हमने देखा, जो हिरण्यकश्यप था उसको भी अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसने क्या किया, जब उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा अमरता का। तो ब्रह्मा जी ने बोला, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम जो भी वरदान मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हिरण्यकश्यप, अब जो असुर लोग होते हैं उनको अपनी बुद्धि पे बहुत कमंड होता है, तो उसने बोला ठीक है, अगर तुम्हें मुझे वरदान देना है इसके अलावा, तो तुम मुझे ऐसा वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं आकाश में, ना नीचे धरती पे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं देवता से मरूं। तो इस तरह उसने इतने सारे वरदान एक साथ मांग लिए, उसको लगा कि शायद अब वो अमर हो चुका है। तो इस तरह जो असुर लोग होते हैं उनको अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा घमंड होता है। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक क्षण में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो इसी प्रकार अभी दुर्योधन है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी अलग अलग चाले चल रहा है, ये भी, इसको भी अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड है। अभी इस तरह दुर्योधन क्या करता है, सभी के पास जाता है, सभी को युद्ध के लिए भड़काता है। तो पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, फिर पितामह भीष्म जो है उनके पास जाता है, फिर अपने जो छोटे छोटे सैनिक है वहां तक, उनके पास तक जाके उनको युद्ध के लिए उत्साहित करता है। तो जब भीष्म पितामह ये सब देखते हैं, तो देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, सबके पास जा जाकर उनको युद्ध के लिए भड़का रहा है। तो भीष्म पितामह उसका धैर्य बांधने के लिए क्या करते हैं, शंख बजाते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन को इतना परेशान देखकर भीष्म पितामह ने क्या किया, जोर से शंख बजाया, ताकि उसको लग सके, दुर्योधन का हौसला बढ़ सके कि वो सब उनके उसके साथ है। और दुर्योधन क्या हुआ, जब दुर्योधन ने इस प्रकार शंख सुना कि अभी जो भीष्म पितामह है वो युद्ध के लिए तैयार हो गए, तो फिर दुर्योधन कि जो चिंता थी वो थोड़ी कम हुई और थोड़ा हर्ष उसको हुआ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो आपने यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखी होगी कि जो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया उसको दिव्य शंख नहीं बोला गया, लेकिन जो पांडव थे और जो भगवान श्री कृष्ण थे इनके शंख को दिव्य शंख बोल दिया गया। तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो जो पांडव थे उन पे कोई भी असर नहीं हुआ उसका। तो वैसे तो भीष्म पितामह ने जोर से बजाया था शंख, शेर की गर्जना करते हुए, लेकिन फिर भी उन पे कोई भी असर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो सत्य के साथ रहता है उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता, जो सही के साथ होगा उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता।
लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेवल में आगे हम सारे श्लोक पढ़ेंगे, तो आगे आता है कि जब पांडवों ने अपने शंख बजाए, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि जो कौरव थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए और बहुत बहुत ज्यादा वो भयभीत हो जाते हैं जब वो पांडवों के शंख सुनते हैं। तो एक तरफ जब जो भीष्म पितामह है उनके शंख सुनकर पांडवों पर कोई भी असर नहीं होता, दूसरी तरफ जब पांडव लोग शंख बजाते हैं तो कौरव लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गलत के साथ है, तो जो भी गलत कार्य करेगा उसके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है। अभी आगे हम देखते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिं ध्वजा प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अभी अर्जुन ने सारी परिस्थितियां देखी कि सभी लोग युद्ध के लिए तैयार है और अर्जुन के यहाँ पर जो रथ है उस पर क्या है, कपिल ध्वजा लगा, हनुमान जी का ध्वजा लगा है। तो हनुमान जी किसके प्रतीक है, हनुमान जी सेवा के प्रतीक है। तो हनुमान जी ने क्या की थी, हनुमान जी ने भगवान श्री राम के जो कार्य उसमें सहायता की थी और उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या कर रहा है, आज भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है और उसको भी विजय प्राप्त होने वाली है। तो इसीलिए अर्जुन के रथ पर कौन है, अर्जुन के रथ पर जो ध्वज है उस पे हनुमान जी अंकित है स्वयं। तो ये इसका अर्थ है। अभी अर्जुन ने जब सेना को देखा तो उसने भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अभी जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो अर्जुन यहाँ पे ऑर्डर देता है कि कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को यहाँ पर आदेश दे रहा है, क्योंकि भगवान क्या है, उसके सारथी बने हुए। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखनी है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है उनको किस नाम से बुलाया गया है, ये भी हमें ध्यान से देखना होगा। और जब भी भगवद गीता में अर्जुन को या भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष नाम से बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई महत्व रहता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अच्युत करके बुलाया गया है। तो अच्युत का अर्थ क्या होता है, अच्युत का अर्थ है जिसका कभी भी पतन नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन आदेश दे रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो कई लोगों को लग सकता है कि अरे ये भगवान कैसे हुए, क्योंकि ये तो अर्जुन के सारथी है और सारथी को अर्जुन आदेश दे रहा है तो ये भगवान हो ही नहीं सकते। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे, साथ ही साथ अच्युत कहकर बुला रहा है, क्योंकि भले ही भगवान अर्जुन के सारथी बने हो लेकिन वो क्या है, अच्युत, यानी उनका कभी भी पतन नहीं होता। तो भगवान भले ही अभी सारथी बने हो लेकिन फिर भी वो भगवान ही रहते हैं, भगवान का कभी भी पतन नहीं होता। तो जैसे एक पिता होता है, पिता क्या करता है, कभी कभी बच्चा बोलता है, बच्चे को खुश करने के लिए पिता क्या करता है, छोटे बच्चे को खुश करने के लिए कभी कभी खेल खेल में वो घोड़ा बन जाता है और बच्चा क्या करता है, उसकी पीठ पर बैठ जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा है वो पिता से श्रेष्ठ हो गया, बच्चे को खुश करने के लिए पिता कभी कभी क्या करता है, उसकी सेवा भी कर लेता है। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी उनके सेवक भी बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता श्रेष्ठ हो गए, पिता से श्रेष्ठ पुत्र हो गया। तो इसी प्रकार भगवान भले ही अर्जुन के सारथी बने हो लेकिन भगवान को अच्युत कहकर बुलाया गया, क्योंकि भगवान भगवान ही रहते हैं। तो भक्ति में यही श्रेष्ठता है, भक्ति इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि भक्ति से क्या होता है, भक्ति से भगवान भी बन जाते हैं। तो भक्ति इतनी ज्यादा श्रेष्ठ है कि भगवान खुद भक्तों की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो दामोदर अष्टकम है उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जो रस्सी है जिससे भगवान को बांधा जाता है, उस रस्सी को भी उसमें स्तुति की जाती है, उस रस्सी को भी प्रणाम किया गया है। तो उसमें बोला गया, नमस्ते स्तु धामने स्पृहत दीप्ति धामने तदो उदर आया था विश्वस्य धामने। तो उसमें रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, तो रस्सी को बोल रहे हैं, हे रस्सी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कि तुमने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया, क्योंकि जिनको सारा विश्व नहीं बांध सकता, जिनके उदर में सारा विश्व समाया है उस उदर को तुमने बांध दिया, तो उस रस्सी को हम प्रणाम करते हैं।
तो वो रस्सी कौन सी है जो भगवान को बांध सकती है? वो रस्सी है भगवान की भक्ति की रस्सी। तो भगवान को केवल भक्ति से ही बांधा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, तो मैंने कल आपको बताया प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पे बहुत सारे हिप्पी लोग थे, वहां पे अलग अलग तरीके के लोग थे। तो प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे तो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है प्रभुपाद मुझे भी भगवान बनना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हें भगवान बनना है? वो बोलते हैं हाँ मुझे भगवान बनना है। तो बोलते तुम भगवान तो नहीं बन सकते लेकिन तुम भगवान से भी श्रेष्ठ बन सकते हो। तो आदमी हैरान हो जाता है, बोलता कैसे? तो प्रभुपाद जी उसको एक तस्वीर दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें यशोदा माता छड़ी लेके भगवान श्री कृष्ण के पीछे भाग रही होती है। तो पूछते हैं प्रभुपाद जी इसमें से भगवान कौन है? तो आदमी अब हैरान हो जाता है, बोलता है ये तो जो भाग रहे हैं वही भगवान लग रहे हैं, लेकिन ये भाग क्यों रहे और ये इनके पीछे कौन है जो छड़ी लेके भाग, जो छड़ी लेके इनके पीछे भाग रही? तो भगवान बोल रहे हैं ये इनकी शुद्ध भक्त है, ये माता यशोदा है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें अपने से श्रेष्ठ पद दे देते हैं, भगवान हमें अपने माता पिता या सखा या प्रेमी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यही भक्ति का रस है। तो भक्ति के द्वारा भगवान हमें अपने से श्रेष्ठ पद दे देते हैं, तो यही भक्ति का रस है। तो इस तरह यहाँ पे बोला गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊ पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पोत्रों मित्रों ससुरों और शिवचित्तकों को भी देखा। तो इस तरह जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले जाते हैं सेनाओं के बीच में, तो अर्जुन ने अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे परिवारजनों को और अपने मित्रों को वहां पर देखा। और उनको देखते ही अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन उवाचा दृष्टे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्तम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये किसके लक्षण है, शरीर के अंग कांपना, मुंह सूखना? ये है जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तनाव में या भय से ग्रसित हो जाता है। तो अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने सगे संबंधियों को देखा, तो अर्जुन के मन में क्या हुआ, अर्जुन के मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ, शोक का भाव उत्पन्न हुआ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन ने यहाँ पे मना कर दिया कि मैं इनको क्यों मारूं, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, और इनको मारकर इनका राज्य मैं ले लूंगा और किसी सुख को मैं प्राप्त करूंगा तो वो सुख भी इतना श्रेष्ठ नहीं होगा, तो इनका वध करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पोत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। ये जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति युद्ध क्यों करता है अपने को, या कोई भी व्यक्ति कोई कार्य क्यों कर रहा है, अपने को या अपने परिवार को खुश रखने के लिए कर रहा है। तो अर्जुन बोल रहा है जिसको खुश रखने के लिए मैं युद्ध करूंगा, मैं उन्हीं को मार रहा हूँ, तो मैं युद्ध फिर क्यों करूँ, यानी जिनके लिए मुझे युद्ध करना है उन्हीं को अगर मैं मार दूंगा तो मैं युद्ध क्यों करूँ। और अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भले ही मुझे तीनों लोक मिल जाए तब भी मैं ऐसा कार्य नहीं कर तब भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो अभी क्या है, अर्जुन के मन में बिल्कुल भी भोग की इच्छा नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि भले ही मुझे तीनों लोक भी मिल जाए, तीनों लोकों का सुख भी मिल जाए, तब भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा धन है या हमारा ऐश्वर्य है उससे हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो कई लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं आ जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया। तो अर्जुन के उदाहरण से हमें समझना है, तो अर्जुन ने बोल दिया भले ही तीनों लोगों का ऐश्वर्य धन या संपदा उसके पास आ जाए तब भी उसे सुख नहीं मिलेगा। तो यही स्थिति हमारी भी है, हमको लगता है कि हमारे पास धन आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, सारा सुख आ जाए तो हम
वास्तव में सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन ने भी ये बोल दिया। तो भगवत गीता हमें बताएगी कि वास्तव में सुख प्राप्त कैसे किया जाए, क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया कि तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी उसके पास आ जाए धन, तब भी उसको सुख नहीं दे सकता। तो ऐसा हम देखते भी है, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं, धनी धनवान लोग होते हैं, तो उनके पास सारी चीजें होती है, पैसा होता है उनके पास, यश होता है, प्रसिद्धि होती है उनके पास, सुरक्षा के सारे सामान या सारे इंतजाम उनके पास होते हैं, फिर भी वो दुखी हो जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख आता है। तो इसका अर्थ साफ साफ है कि जो ऐश्वर्य या धन है वो भले ही कितना भी मिल जाए वो हमारे दुख दूर नहीं कर सकता। तो यहाँ हम अर्जुन के इस कथन से ये बात हम समझ सकते हैं। अभी अर्जुन आगे क्या बोलता है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन ने बोला कि इस प्रकार हम इनका वध नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये लोग क्या है आतताई है और इनका वध करने पर हमें पाप चढ़ेगा। लेकिन कृपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि छह प्रकार के लोग हैं जिनका वध करने पर पाप नहीं चढ़ता। वैदिक साहित्य में छह प्रकार के आतताइयों का वर्णन है जिनको तुरंत सजा देनी चाहिए। तो कौन से हैं? सबसे पहला है विष देने वाला जो जहर पिलाता है, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन को लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला या दूसरे की जमीन हड़पने वाला, और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला या फिर पराई स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करने वाला। तो ये छह प्रकार के लोगों को तुरंत दंडित कर देना चाहिए वैदिक साहित्य के अनुसार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो छह के छह कार्य हैं, ये छह के छह कार्य पांडवों के साथ कौरव लोग कर चुके हैं। तो एक बार जो दुर्योधन है वो भी जो ये भीम है, भीम जो एक पांडव है, उसको वो एक बार जहर देने का प्रयास भी कर चुके हैं, एक बार उनके घर में लक्षागृह में क्या किया उन्होंने, एक बार आग भी लगा चुके हैं, और कई बार उन पर घातक हथियार से आक्रमण कर चुके हैं, उनका धन भी लूट चुके हैं, उनकी भूमि उनका राज्य भी हड़प चुके हैं और उनकी स्त्री का अपमान भी कर चुके हैं। तो ये जो छह के छह कार्य हैं ये जो कौरव लोग हैं पांडवों के साथ कर चुके हैं। तो कृपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं इस प्रकार के लोगों को तुरंत दंडित कर देना चाहिए। अतः अर्जुन का ये जो कारण है कि हमें इस प्रकार के आतताइयों का वध नहीं करना, वो युद्ध का वध नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें पाप चढ़ेगा, तो ये कोई सही कारण नहीं है युद्ध ना करने का। अभी अर्जुन और भी कारण देता है युद्ध ना करने के। तो कौन से कारण है? अर्जुन बोलता है कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अर्जुन बोल रहा है कि अगर हम युद्ध करते हैं तो इससे क्या होगा, जितने भी परिवार के पुरुष हैं और जितने भी युवा हैं और जितने भी और पुरुष हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे, इससे क्या होगा कुल की जो परंपराएं वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अगर कुल की परंपरा अगर चलानी है आगे तो उसके लिए सभी का होना आवश्यक है, कुल में सभी का होना जरूरी है ना, पुरुष का भी स्त्री का। लेकिन अगर पुरुष इसमें मारे जाते हैं युद्ध में, इससे क्या होगा उससे जो परिवार है उसकी परंपराएं नष्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें अर्जुन ने एक दूसरा कारण दिया कि जो परिवार की स्त्रियां हैं अगर पुरुषों को मार दिया जाएगा तो सभी लोग क्या करेंगे, फिर स्त्रियों का शोषण करेंगे जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो जो अर्जुन ने कारण दिया ये आज हम देख सकते हैं, जैसे कि दो देशों में जब युद्ध होता है आजकल भी आप देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है जब युद्ध में जो पुरुष मारे जाते हैं तो अब जो दूसरा पक्ष है उसकी प्रवृत्ति रहती है ऐसी कि वो क्या करते हैं वहां पे जो स्त्रियां होती है उनका शोषण करना आरंभ कर देते हैं। तो अर्जुन ने ये भी कारण दिया कि अगर पुरुष नहीं रहेंगे, अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो उनकी जो स्त्रियां हैं उनका लोग शोषण करेंगे और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। तो ऐसी अवांछित संतानों से क्या होगा, संकरो नरकायव कुलकनानां कुलश्च पतन्ति पित्रो येषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ लोग भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो किसका पतन होगा, परंपरा नष्ट होगी, ठीक है, स्त्रियों का शोषण होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी,
तो इससे क्या होगा, नरकीय जीवन उत्पन्न होगा और जब परंपरा नष्ट हो जाएंगी तो जो पितरों को दान देने, पिंड दान देने की क्रिया, ये भी समाप्त हो जाएंगी। तो ना केवल कुल का नाश होगा, ना केवल समाज का बुरा होगा, बल्कि इससे जो हमारे पितर हैं जिनको की पिंडदान वगैरह मिलता है वो भी दुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है कि ना केवल पुरुष, स्त्री, परिवार, समाज, बल्कि यहाँ तक कि पितर, सारे ही इस युद्ध के कारण क्या होगा, सबको ही दुख पहुंचेगा। तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है कि इस प्रकार उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन अंत में क्या, अर्जुन क्या करता है, अपने हथियार त्याग देता है और रथ पर बैठ जाता है। और संजय क्या बोलता है, संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संके रथोपस्था उपाविशत विसृज्य संचरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोकस्तप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अर्जुन ने इतने सारे कारण देने के बाद अब युद्ध करने से मना कर दिया और अर्जुन यहाँ पे क्या बोला गया, शोक संविघ्न मानसा, यानी बहुत ही ज्यादा शोक से ग्रसित हो गया और उसकी आंखों से आंसू भी आते हैं। तो शोक में अर्जुन आ जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस प्रकार युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए, पहले अध्याय है उसमें हम देखते हैं अर्जुन ने युद्ध ना करने के कौन कौन से कारण दिए। तो सबसे पहला कारण था दया, अर्जुन ने बोला हमें इन पे दया करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अर्जुन ने बोला इनको मारने में कोई भी आनंद नहीं है, क्योंकि जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ उन्हीं को मैं मार दूंगा तो मुझे आनंद कैसे मिलेगा इसमें। फिर अर्जुन ने तीसरा कारण दिया कि इनको मारने पर मुझे पाप लगेगा, और फिर अर्जुन ने बोला परिवार की सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और अंतिम कारण क्या था, असमंजस की स्थिति, यानी अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। तो अभी अगर कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो अर्जुन के इन कारणों को सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, तो हो सकता है वो अर्जुन के लिए तालियां बजाए, क्योंकि उसको श्रेष्ठ लगेगा कि वास्तव में अर्जुन के कारण जो है बहुत ही सही है। तो अगर आज अर्जुन हमें ये सारे कारण बताता तो हो सकता था कि हम लोग भी तालियां बजाते, क्योंकि हमें जो अर्जुन के कारण है बहुत ही, अर्जुन ने सोच समझ कर कारण दिए। लेकिन हमें देखना होगा कि वास्तव में जो भगवान है, भगवान की बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान क्या है, सभी जीवों के पिता है, तो भगवान की बुद्धि सभी से श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने यहाँ पे कारण दिए, अभी वो कारण सही है या गलत है ये हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमारी बुद्धि की एक सीमा है। तो वो सही है या गलत वो केवल भगवान ही बताएंगे। तो भगवान क्या बताते हैं ये हम कल देखेंगे। तो 2 चीजें होती है हमें समझना होगा, श्रेयस और प्रेयस। तो प्रेयस मतलब क्या होता है, प्रेयस वो चीज होती है जो हमें अभी सही लगती है, तो अभी हमें सही लगती है लेकिन आगे जाके हमारे लिए सही नहीं होती। और श्रेयस, श्रेयस होता है जो हमें अभी सही नहीं लगता लेकिन आगे जाके वो क्या होता है, हमारे लिए अंत में सही होता है। तो अर्जुन ने यहाँ पे जो चीजें बोली ये क्या है, अर्जुन ने बोला अगर ये कारण है, अगर मैं युद्ध नहीं करता तो इससे क्या होगा, इससे शायद मुझे सुख मिलेगा, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। तो अर्जुन तुरंत यहाँ पे सुख चाहता है। तो जो तुरंत सुख हमें मिलता है वो क्या होता है, प्रेयस होता है, यानी अभी तो हमें सही लग रहा है लेकिन हो सकता है आगे जाके वो सही ना हो। तो जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, चॉकलेट खाता है बहुत ज्यादा, तो मीठी मीठी चीजें खाता है बचपन में, चॉकलेट बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको अभी सही लगता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो माता होती है, उसकी माता क्या करती है, उसको डांटती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो चॉकलेट खाना क्या है, प्रेयस है, अभी उसको सही लग रहा है लेकिन आगे जाके उसके लिए सही नहीं है ना। और जो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना क्या है, बच्चे के लिए श्रेयस है, अभी उसे सही नहीं लग रहा लेकिन आगे जाके वो उसके लिए सही है। तो इसी प्रकार बच्चे को किसने बताया क्या सही है क्या गलत है, उसकी माता ने। तो इसी प्रकार भगवान हमारे पिता है, भगवान ही केवल बता सकते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही होने वाला है कि नहीं। तो भगवान कल के अध्याय में किस तरह अर्जुन के कारणों का खंडन करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसी के साथ भगवद गीता का जो पहला अध्याय वो समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। हरे कृष्ण सभी को। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। तो कल के अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारे कारणों का किस तरह खंडन करते हैं। ओके, चैट में भी कई क्वेश्चन आए हैं।
कि आज की YouTube रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? गुरुजी ये पूछना था, अभी बताया गया कि 5 कारण ऐसे होते हैं उसमें उनका तुरंत वध कर देना चाहिए उन व्यक्तियों का, तो रावण ने जैसे सीता को उठा लिया था तो भगवान राम ने भी इतनी ढील क्यों दे दी उनको? जी तो आज वध क्यों नहीं किया उसका? वध करना नहीं, मतलब तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो भगवान श्री राम ने तुरंत ही आरंभ कर दिया था उनको ढूंढना, और भगवान श्री राम ने इतना लेट क्यों किया? तो इसके पीछे मैंने आपको बताया ना कि भगवान चाहते थे सभी को सेवा मिले, क्योंकि भगवान को तो किसी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सभी को सेवा में लगाने के लिए भगवान ने सभी को एकत्रित किया, सबको निमित्त बनाने के लिए। ठीक बात, धन्यवाद। और जी, और 6 तरह के आतताई थे, 6 तरह के आतताइयों को तुरंत सजा उनको देनी चाहिए, ऐसा वैदिक साहित्य में आता है। हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्णा, तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर कौरव बुरे लोग थे और पांडव अच्छे थे, तो जो भीष्म पितामह है या द्रोणाचार्य है, तो सब उनके साइड क्यों थे? वो पांडवों की साइड क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग अच्छे थे, मतलब अगर वो उनके साइड होते तो शायद दुर्योधन इतनी हिम्मत ही नहीं करता कि वो युद्ध के लिए जाता। ये मेरा प्रश्न है। जी माता जी, तो हाँ, कुछ कारण थे, राजनीतिक कारण थे और कुछ कूटनीतिक कारण भी थे। जैसे कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजा बनेगा, ठीक है, जो भी राज्य कर रहा होगा, मैं उसी का साथ दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इस प्रकार की उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी, जिसके कारण वो बंध गए थे उस परिस्थिति से। और द्रोणाचार्य क्यों थे? उसके राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे। तो द्रोणाचार्य भी क्या करते थे, उन्होंने भी प्रण लिया था कि वो जो राजा होंगे उनकी सहायता करेंगे और उनको क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, ठीक है, और उनको प्रशिक्षण देंगे और उन्हीं से केवल आर्थिक लाभ लेंगे। तो एक तरह से जैसे आजकल आपने देखा होगा, जैसे कोई टीम होती है उसको कोई ले लेता है, ठीक है, कोई अमीर व्यक्ति ले लेता है, तो फिर एक साइन हो जाता है कि दूसरी टीम से नहीं खेलेगा। तो क्यों? क्योंकि वही उन्हें सारी चीजें देगा, सारी सुविधाएं देगा। तो इस प्रकार जो भीष्म पितामह है उनकी प्रतिज्ञा के कारण और जो द्रोणाचार्य है उनके आर्थिक बंधन के कारण वो दोनों इससे बन गए थे, ठीक है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं कभी कभी जो कि मनुष्य को बांध देते हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, जो सही लोग हैं उनको गलत कार्य करने पड़ते हैं। तो ये कुछ कारण थे, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे जिनके कारण, और एक भीष्म जो अपनी प्रतिज्ञा के लिए भीष्म बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो भीष्म का वास्तविक नाम भीष्म नहीं था, उनका नाम शायद देवव्रत था। उनकी प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। क्यों? क्योंकि वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते थे और जो भी प्रतिज्ञा लेते थे उसको कभी तोड़ते नहीं थे। तो उन्होंने भी यही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और मैं अपना राज्य नहीं बनाऊंगा कभी भी शादी करके, मैं क्या करूंगा, जो राजा होगा उसकी सेवा करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। सो प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि आप जैसे बता रहे थे कि हमेशा सही करना चाहिए, जो अभी हमें सही लगता है वो करना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए सही का डेफिनेशन तो अलग होता है। जैसे मुझे अगर कोई चीज सही लग रही है तो एक्चुअली वो सही होगी कि नहीं वो मुझे कैसे समझेगा, वो शायद रॉन्ग भी हो सकती है, तो वो मुझे कंफ्यूजन हो गया। हरे कृष्ण जी माता जी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि जो सही लगे हमें वो करना चाहिए, ऐसे नहीं बोला अभी मैंने। मैंने बोला दो तरह की चीजें होती है, प्रेयर और प्रेयर। तो प्रेयर वो होता है जो हमें अभी सही लगता है लेकिन वास्तव में आगे जाके हमारे लिए नुकसानदायक होता है। श्रेयस वो होता है जो अभी हमें सही नहीं लगता है, जैसे कि अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी को सुबह उठना सही ना लगे लेकिन आगे जाके क्या होगा, उसके लिए कल्याणकारी होगा, तो ये श्रेयस होता है, ठीक है। अब क्या सही है क्या गलत है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, तो अर्जुन के जीवन में परिस्थिति आई, उसको लगा कि शायद जो उसने 5 कारण दिए वो सही होंगे, लेकिन वास्तव में वो कारण सही है या नहीं उसको कैसे पता लगा, जब वो भगवान की शरण में गया। तो 3 चीजें हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो है गुरु, साधु और शास्त्र। तो ये मैं कल बताने वाला था आपको कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें पता ना लगे क्या सही है क्या गलत है, तो हमें भी वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन ने ये नहीं बोला कि भगवान मैंने 5 कारण दिए और यही सही है। तो अभी कल अर्जुन भगवान से पूछेगा कि जो मैंने कारण दिए
आप मुझे बताइए ये सही है या गलत है। तो अर्जुन ने ये नहीं बोला जो मैंने कारण दिया सही है। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान की शरणागति ली। तो हमारे सामने अभी भगवान तो है नहीं साक्षात, तो हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र की शरणागति लेनी है। गुरु साधु और शास्त्रों से हमें पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। इसके बारे में हम कल के अध्याय में विस्तार से बताने वाले हैं। तो अभी चैट में भी कुछ प्रश्न है, मैं उनको देखता हूँ। तो गुरुमुख प्रभु जी बोल रहे हैं कि श्रीमद भगवद गीता और श्रीमद भागवतम का टीका कैसे रखना चाहिए, उसकी संभाल कैसे करनी चाहिए। तो प्रभु जी आप उसको पवित्र स्थान पर रख सकते हैं और उसकी साफ सफाई आप कर सकते हैं हमेशा प्रतिदिन। और सबसे बड़ा सबसे अच्छा है कि आप केवल उसको रखें ना रखें, क्योंकि भगवान ने संदेश दिया है हमें पढ़ने के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में रख देते हैं भगवद गीता और हमेशा उसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अंतिम अध्याय में कि भगवद गीता की अगर पूजा कोई करता है तो कैसे करता है, उसको पढ़कर करता है। ठीक है, तो भगवद गीता की वास्तविक पूजा है उसको पढ़ना। तो इसलिए आप भगवद गीता को पढ़िए, वही उसकी सबसे अच्छी पूजा है। बाकी आप उसको अच्छे स्थान पर रखिए, उसकी साफ सफाई रखिए, और मुख्य बात है उसको आप पढ़िए, तभी उसकी पूजा मानी जाएगी। उसको रखना नहीं है मंदिर में केवल सजा के, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दी जाएगी। हरे कृष्णा राखी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। जी आपने जैसा कल बताया था कि क्लास करने के बाद गूगल में जाकर हम उसका क्वेश्चन आंसर ये कर सकते हैं, क्या आज से शुरू कर सकते हैं? जी जी आज से आप कर सकते हैं। जी अगर आपको कोई समस्या होगी, आप जो एडमिन है उनको आप स्क्रीन शॉट लेके आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सुलता माते। हरे कृष्णा जी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक इस अध्याय के रिलेटेड नहीं है, बस मुझे जानना था जी हम लोग तिलक क्यों पहने और कैसे पहने। जी माता जी, तो जो हमारे हृदय है, क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं परमात्मा रहते हैं, और जो तो हमारा जो शरीर है वो मंदिर की तरह है, तो इसको हम सजाते हैं मंदिर की तरह। तो वैष्णव अपने शरीर को सजाता है और इसीलिए हम तिलक लगाते हैं। और तिलक के और भी कारण है, तिलक लगाते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो शीतल रहता है, क्योंकि चंदन क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। दूसरा, हम तिलक ऐसा ही क्यों लगाते हैं, दो डंडे क्यों होते हैं? तो जो तिलक में दो डंडे होते हैं वो भगवान के दो चरणों को दर्शाते हैं, और जो नीचे हमें तुलसी पत्र दिखाई दे रहा है ये क्या, तुलसी महारानी को दर्शाता है, क्योंकि भगवान और भक्त दोनों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे भगवान है, उनके चरणों में तुलसी दल है। ठीक है, तो तुलसी महारानी जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, तो हमेशा उनके चरणों में रहती है और उनकी सेवा करती है। तो इससे जब हम देखते हैं अपने आप को, भगवान के चरण है और तुलसी महारानी उनके चरणों में, तो इससे हमारे मन में भी वो भाव उत्पन्न होता है कि हम भी भगवान की सेवा करेंगे। और वैष्णवों की पहचान भी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, सबकी अलग अलग ड्रेस होती है ना, तो इसी प्रकार जो सारे संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, सबके अलग अलग तिलक होते हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग उनके संप्रदाय को दर्शाते हैं, तो उनकी पहचान भी होती है। ठीक है प्रभु जी, जी माता जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी पहनने का कोई रूल्स है क्या, कैसे पहनूं? तिलक स्नान, जब हम स्नान करते हैं उसके बाद हम तिलक लगाते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। जी, और हर तिलक लगाते समय एक मंत्र होता है, ओम केशवाय नमः माधवाय नमः, वो सारे इसके नियम होते हैं। तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा वैष्णव तिलक के बारे में, कौन से मंत्र है उनके, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी जो एडमिन है उनका आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी सहायता करेंगे, इसकी सारी विधि आपको भेज देंगे। हरे कृष्णा वेद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज जब हम वर्णन कर रहे थे भगवद गीता की महिमा का, तो उनका क्या लाभ है, कैसे क्या है, तो उसमें एक चीज बोला आपने कि जैसे जो हमने पाप कर्म किया है ना पास्ट में,
तो उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, राइट, जो पाप से मुक्त हो सकते हैं। बट मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे कोई इंसान अगर किसी को प्रताड़ित किया है या किसी के साथ गलत किया है, तो भगवान ये भी बोलते हैं कि कर्म का फल मिलेगा, तो फिर उस प्रताड़ना किए हुए व्यक्ति को उसको जस्टिस या फिर उसको वो कैसे मिलेगा अगर वो इंसान कॉम्पेंसेट कर लेता है भक्ति के द्वारा, तो ये प्रश्न है मेरा। तो प्रभुजी हमें समझना होगा कि भगवान ने जो जगत बनाया, ठीक है, ये भगवान ने सजा देने के लिए नहीं बनाया, ये सुधार के लिए बनाया है भगवान ने। तो तभी कई लोग बोलते हैं हमें तुरंत फल क्यों नहीं मिलता जब हम गलत काम करते हैं। तो तुरंत इसलिए नहीं मिलता कि भगवान को समय देते हैं कि उस बीच हम अगर सुधर जाते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति कर लेते हैं, तो क्या होता है उससे उसका फल ना मिले। ताकि तो भगवान ने हमें ये जो जगत है ये हमें सजा देने के लिए नहीं बनाया, ये सुधारने के लिए बनाया। जेल होती है ना जैसे, तो जेल लोगों को लगता है कि जेल सजा देने के लिए, लेकिन वास्तव में जेल सुधारने के लिए होती है ना। तो इसी तरह भगवान क्या करते हैं, भगवान तुरंत सजा नहीं देते, भगवान को समय देते हैं सुधारने के लिए। और आप जैसे बोल रहे ना अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके हमें फल मिलेंगे, ठीक है, तो इस तरह अगर आप देखें ना तो कर्मों का जो चक्र है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल होता जाएगा। मतलब आप आए इस धराधार से, आपने कुछ कर्म किए, आप सही कर्म करोगे गलत कर्म करोगे, ठीक है, तो आप क्या होगा फिर दोबारा, जैसे आपने सही कर्म किए तो आगे भगवान बताएंगे उससे क्या होता है, उससे आपको पुण्य मिलेगा, आपको उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, लेकिन वो तभी तक आप वहां पे रहोगे जब तक जितने आपके पुण्य होंगे। उसके बाद भगवान बोलते हैं तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, छीने पुण्य, जैसे आपके पुण्य खत्म होंगे मृत्युलोकम विशंति, दोबारा आप मृत्युलोक में आ जाओगे। तो पुण्य कर्म भी आपको यही लाएंगे, पाप कर्म भी आपको यही लाएंगे। तो इस प्रकार ये जो कर्म का चक्र है इसमें हम और ज्यादा बनते जाएंगे। आप अच्छा करोगे पूरा करेंगे, फिर रिएक्शन आएंगे, फिर अच्छा करोगे पूरा करेंगे, फिर दोबारा आओगे, तो इसका तो ऐसे कोई अंत ही नहीं होगा, इसमें हम और ज्यादा बनते जाएंगे। इसीलिए इसका केवल एक ही तरीका, अगर हम भगवान की भक्ति कर लें तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने ये विधान बनाया इस तरीके की। तो भगवान ने ये जो जगत बनाया हमको सजा देने के लिए नहीं बनाया, हमको सुधारने के लिए बनाया, ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी चैट में बोला गया युद्ध के किस दिन में भगवत गीता सुनाई गई, तो युद्ध के पहले दिन ही भगवत गीता बोली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी धृतराष्ट्र पूछ रहा है पहले दिन कि अर्जुन की जो मेरे पुत्र हैं और पांडु के पुत्र हैं उन्होंने क्या किया, और अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है अभी आपने देखा होगा सब लोग शंख बजा रहे हैं अपना, तो शंख कब बजाया जाता है जब युद्ध आरंभ होता है, तो भगवत गीता पहले दिन युद्ध से पहले। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि अर्जुन देखना चाहता है युद्ध से पहले कि सबकी परिस्थिति क्या है, तो भगवत गीता युद्ध से पहले ही बोली गई, क्योंकि अर्जुन के मन में डर जो भय आया वो युद्ध से पहले आया कि युद्ध क्यों करूं मैं, तो ऐसा नहीं कि करने के बाद वो बोलेगा युद्ध क्यों करूं। जी तन्मय प्रभु जी बोलते हैं कि जब हम कोई सही या गलत कार्य करते हैं तो हमारे मन से आवाज आती है कि तो ये भगवान की आवाज होती है। जी प्रभु जी बिल्कुल, तो जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे अच्छा लगता है, गलत कार्य करता है कहीं ना कहीं उसके भले ही बाहर से दिखाई कि वो खुश है लेकिन कहीं ना कहीं उसे दुख होता है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा है। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। तो कहीं ना कहीं उसी कारण, तो जो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारे अंदर छठी इंद्री है जिससे हमें पता लगता है क्या सही है क्या गलत है, मतलब छठी इंद्री नहीं है वो परमात्मा होते हैं जो हमें निर्देश देते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, प्रभु जी जिस तरह से आपने बताया कि भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य उनके पक्ष में कर रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और वो अपनी, तो भगवान हमें ये संदेश देना चाहता है कि हम कितनी भी भयंकर प्रतिज्ञा करें लेकिन अगर हम सच का साथ नहीं देंगे तो हमें गलत का साथ भी नहीं देना चाहिए। जी जी, तो अभी भीष्म पितामह तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे और इतने मतलब थे, तो फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर क्यों नहीं सच का साथ दिया। जी माता जी, आप देखिए हमारे हमको भगवान ने एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी, ठीक है, भगवान किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी कार्य के लिए। तो ऐसे होता तो जैसे रावण था वैसे तो भगवान चाहते तो रावण को भी आप बोलते जैसे कि रावण भी भगवान की शरण में आ सकता था, लेकिन क्या होता है भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, भगवान ने जीवों को एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है उसी के अंतर्गत हम सही और गलत कार्य करते हैं। तो
जो कई लोग है इस सूक्ष्म स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो सबके पास ही सूक्ष्म स्वतंत्रता है, तो वो सूक्ष्म स्वतंत्रता द्रोणाचार्य के पास भी और भीष्म के पास भी, तो वो तो भगवान के साथ आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो भगवान ने एक छोटी स्वतंत्रता हमें दी है, जैसे कि अभी भगवान अर्जुन को भगवद गीता सुनाते हैं, तो भगवान अर्जुन को अंत में क्या बोलते हैं, यथा इच्छा से तथा कुरु। भगवान बोलते हैं अर्जुन मैंने तुम्हें भगवद गीता सुना दिए, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है तुम जो करो वो कर सकते हो। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि भगवान अगर किसी को फोर्स करेंगे फिर वो क्या होगा, फिर वो प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम किसी से आप फोर्सफुली नहीं करा सकते। किसी पे किसी के कान पे मैं बंदूक रख के नहीं बोल सकता कि आप मेरे से प्रेम करो, तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, क्योंकि प्रेम जो होता है स्वाभाविक होता है, ठीक है। और भगवान का और जीवात्मा का प्रेम का संबंध है, और अगर भगवान किसी से जबरदस्ती करेंगे तो फिर भगवान नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, फिर तानाशाह कहलाएंगे, डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटर क्या करते हैं, जबरदस्ती नियम लगाते हैं, जबरदस्ती फोर्स करते हैं लोगों को। तो भगवान डिक्टेटर नहीं है, भगवान हमारे परम पिता है, इसीलिए भगवान ने सूक्ष्म स्वतंत्रता दी हमें, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है, जीवात्मा कभी सही कार्य करती है कभी गलत कार्य करती है, तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए ताकि हम जी, हमें लेना चाहिए जी, बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। आपका नाम पता नहीं, आपने सही से नहीं लिखा है, जो भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अनम्यूट का ऑप्शन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वरुण प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंकित प्रभु जी, जी जी। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण भगवान ही क्यों बने, कोई और भी तो बन सकते थे जी, कोई भी बन सकता था जी प्रभु जी। तो इसके पीछे एक कहानी है, तो वो मैं बताने वाला था आगे। तो क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास दोनों जाते हैं, आपने सुनी होगी ये कहानी, अर्जुन भी जाता है और दुर्योधन भी जाता है। तो भगवान के पास दोनों जाते हैं, और जो दुर्योधन है वो पहले भगवान के पास जाता है और भगवान के सिर पे जाके वो बैठ जाता है, भगवान आराम कर रहे होते हैं उस समय और उनके सिर के पास जाके बैठ जाता है। अर्जुन जो है वो जाता है और उसके बाद जाता है और उनके चरणों पे आके बैठ जाता है। तो भगवान जब आंख खोलती है तो सबसे पहले ध्यान नीचे की तरफ जाता है, तो भगवान अर्जुन को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तो जो दुर्योधन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, वो बोलता है अरे भगवान मैं पहले आया हूँ, आपको मेरे से पूछना चाहिए। तो भगवान उसको समझाते हैं, फिर उसके साथ बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि दोनों से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और तो फिर वो बताते हैं अपने अपने कारण कि हम चाहते हैं कि आप युद्ध में हमारा साथ दें। तो भगवान पहले अर्जुन को अवसर देते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो जो दुर्योधन है बहुत ही क्रोधित हो जाता है कि पहले मैं आया तो आपको मेरे से पहले पूछना चाहिए था कि तुमको क्या चाहिए। और तो भगवान उसको समझाते हैं कि अर्जुन छोटा है और छोटे भाई को पहले देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान उसको समझाते हैं, तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है। तो भगवान उससे बोलते हैं फिर अर्जुन से कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा युद्ध में, ठीक है, तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, या फिर तुम्हें मेरी सेना जो अक्षणी सेना है वो चाहिए। तो अब दो तरह के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो भगवान को चाहते हैं, एक भगवान की शक्तियों को चाहते हैं, है ना। तो जैसे पिता होता है, कई लोग होते हैं पिता की संपत्ति चाहते हैं, पिता का धन चाहते हैं, पिता की शक्ति चाहते हैं, कई लोग होते हैं पिता को चाहते हैं। तो यही यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, एक भगवान को चाहते हैं और एक उनकी शक्ति को चाहते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान को चाहते हैं। जैसे जैसे रावण था, रावण सीता माता को चाहता था लेकिन राम जी को नहीं चाहता था, भगवान की शक्ति को चाहता था लेकिन शक्तिमान को नहीं चाहता था। तो जो भी व्यक्ति शक्ति को चाहता है बिना शक्तिमान के उसका हमेशा नाश होता है। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने शक्तिमान को चाहा, क्योंकि जहां शक्तिमान होगा वहां शक्ति अपने आप आ जाती है। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब दुर्योधन ने ये बात सुनी तो दुर्योधन बहुत हंसा, दुर्योधन ने बोला अरे अर्जुन कितना मूर्ख है, उसको पहले अवसर मिला मांगने का फिर भी उसने भगवान को मान लिया, और भगवान तो युद्ध नहीं करेंगे, उन्होंने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा बस केवल तुम्हारे साथ रहूंगा, तो फिर इनको रख के क्या फायदा साथ में। तो इस तरह जो दुर्योधन है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है,
कि अर्जुन कितना बड़ा मूर्ख है, उसने भगवान को मांग लिया और भगवान तो कुछ नहीं करेंगे, तो अब इसकी बारी आती है, तो ये भगवान की सेना भगवान की शक्ति मांग लेता है। ठीक है, तो इस तरह दो तरीके के लोग होते हैं, तो इसीलिए जब भी कई लोग होते हैं भगवान से केवल भौतिक लाभ मांगते हैं, भगवान की शक्तियां मांगते हैं, तो आगे जाके क्या होता है उनका नाश हो जाता है। तो इसीलिए हमें शक्ति शक्तिमान दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो यही कारण था जिस कारण अर्जुन के साथ भगवान युद्ध में थे, और उसके सारथी, क्योंकि जो सारथी होता है सबसे निकट होता है योद्धा के, ना उसके साथ ही बैठा होता है बिल्कुल, तो इस प्रकार उसके साथ रहने के लिए, उससे वार्तालाप करने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए भगवान ने सारथी का पद स्वीकार किया। ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। हम जब कल हम बात कर रहे थे कि कलयुग में हमें हरे कृष्ण हरे 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 राम को भजन करना चाहिए, यहाँ पे गीता हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ राम भगवान का कहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर, कहाँ उनके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका नाम क्यों यहाँ पे आ रहा है? जी, तो हमने बताया जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सारे वैदिक, मतलब बहुत सारे वैदिक शास्त्रों से हमने रेफरेंस लिया, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो भगवद गीता में नहीं है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो कली संतरण उपनिषद में दिया है और भी अनेक शास्त्रों में दिया है। कली संतरण उपनिषद में बोला गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का नाम है, कली कलमश नाशनम, कलयुग में कलमशों का नाश करने वाले, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद देख लिए, न तो परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, और राम जी का नाम भी अभी इसमें आएगा आगे, जो आगे के अध्याय है उसमें भगवान अपनी विभूति बताते हैं, तो 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जितने भी शस्त्रधारी है उसमें से मैं भगवान श्री राम हूँ, इस तरह राम का नाम भी आता है, और भगवान आगे भी बताएंगे अपने नाम की महिमा के बारे में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, जितने प्रकार के यज्ञ हैं सब में मैं जप यज्ञ हूँ, यानी भगवान के नाम का पवित्र जप को मैं संबोधित करता हूँ, तो इस प्रकार नाम की महिमा भी इसमें आएगी। तो आप इसमें बने रहिए, आपको धीरे धीरे सब चीजें पता लगेगी, क्योंकि आज पहला दिन है, एक दिन में हमें हो सकता है सारी चीजें ना पता लगे, तो आप धीरे धीरे इसमें बने रहिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद जी। तो मोहित प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म की प्रेरणा कैसे आएगी? जी प्रभु जी, हम 3rd अध्याय में पढ़ने वाले हैं किस प्रकार इस जो श्लोक है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और जी वैसे ये 2rd अध्याय में भी आएगा, कल के अध्याय में आएगा, और 3rd अध्याय में कर्म योग में भी हम पढ़ेंगे कि वास्तव में हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए, और ये जो श्लोक है कल के अध्याय में आने वाला है, कल हम इसको विस्तार में समझाएंगे और क्यों लोग इसको गलत समझ लेते हैं, श्लोक को क्या गलत समझते हैं, वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज एक ही दिन में जो आपके प्रश्न है वो आगे जाके उनके उत्तर आपको मिलने वाले, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आज ही आपको बता दी है, तो लेकिन अभी आगे फिर कुछ बचेगा नहीं बताने की, तो इसलिए आप लोग बने रहिए, आगे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो आगे आने वाले अध्याय के अंग है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, सभी के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, आप धैर्य रखिए, और किसी का कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप जो एडमिन है उनको मैसेज भेज दें। तो आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, इसी के साथ हम आज के सत्र का समापन करते हैं। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का।